Hi, I am Dr. Eva Chilute. I am a consultant in Manipal Hospital, Gurgaon. और आज मेरे साथ मिसेस नीतू सिंह हैं एंड उनकी छोटी सी 7 दिन की छोटी सी बिटिया है एंड आज बहुत ही वी आर ऑल वेरी वेरी हैप्पी कि सब कुछ बहुत ही अच्छे से हुआ एंड बहुत सारे चैलेंजेस थे इन नीतू केस एंड हम लोग चाहते थे कि हम इस बारे में बात करें जिससे और जो लोगों का हाई रिस्क प्रेगनेंसी है या वो डर रहे हैं तो उन्हें ये एक विश्वास मिल सके कि अगर आप अच्छे से फॉलो करते हो और अच्छे से एडवाइजेस फॉलो करते हो, रेगुलर चेकअप्स कराते हो तो डिस्पाइट ऑल चैलेंजेस देयर कैन बी अ हैप्पी आउटकम। नीतू का पहला बेटा 12 साल पहले हुआ था एंड उस समय बीपी हाई होने की वजह से शी हैड कन्वर्जन्स, जिसको हम लोग अपनी मेडिकल लैंग्वेज में एक्लेम्जिया कहते हैं। जब आपका बीपी बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है तो बहुत ज़्यादा हाई बीपी में आपके यू कैन लूज कॉन्शियसनेस, आपको फिट्स आ सकते हैं। उसके बारह तब उसको फिट्स भी आए थे, बीपी बहुत हाई था एंड बोथ मदर एंड बेबी वर वेरी सीरियस 12 ईयर्स बैक। उसके बाद वो इतनी घबराई नहीं थी उस एक्सपीरियंस से कि उन्होंने जब तक ये दूसरी बिटिया प्लान करी तब तक शी वॉज 39। इस प्रेगनेंसी में हम लोगों ने बीपी भी कंट्रोल करा, शुगर भी, डायबिटीज भी हमने कंट्रोल करी, थायराइड भी हमने कंट्रोल करा एंड बेबी के ग्रोथ वाले सारे फैक्टर्स को भी मॉनिटर करा। सो काफी चैलेंजेस थे लेकिन आई मस्ट से नीतू का बहुत समझदार पेशेंट है, फैमिली भी बहुत समझदार है। वो बहुत अच्छे से अपना सब कुछ मॉनिटर करती थी, बहुत अच्छे से फॉलो अप करती थी एंड ये भी जब हुई तो नीतू हमेशा मॉनिटर करती थी एंड 11:30 बजे इसका मेरे को कॉल आया रात में कि मैम माई बीपी इज 160/100 एंड फॉरन इनको बुलाया। जब तक ये हॉस्पिटल आई तब तक भी 190/110 बीपी हो गया था, बट क्योंकि इतने प्रॉम्प्ट एक्शन हुआ था एंड ये फॉरेन हॉस्पिटल इसने मेजर किया, ये फॉरेन हॉस्पिटल आ गई और फॉरेन बिटिया भी कर दी, तो इस बार कोई भी दिक्कत नहीं हुई ना। इस बार कोई भी जो हाई बीपी के खराब इफेक्ट्स होते हैं वो कोई नहीं आए एंड नीतू तीसरे दिन घर गई अपनी बिटिया के साथ। बिटिया NICU में ले रही, डायरेक्टली इनके पास आई, इन्होंने अच्छा अपना दूध पिलाया। सो यही सारी चीज़ें हैं एंड मैं नीतू से कहूँगी वो भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करें जिससे कि जो बाकी पेशेंट्स होते हैं हाई रिस्क के उनको भी थोड़ी सी हिम्मत हो कि अगर अच्छे से फॉलो करें तो सब ठीक होता है। अब नीतू अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताएगी क्योंकि ज़रूर मुश्किल होगा छोटे से बेटे के साथ भी पूरा इतना मॉनिटर करना, तो तुम्हारा क्या एक्सपीरियंस था? आई एम नीतू सिंह, मैं गुड़गांव में रहती हूँ और मेरे को मेरी जो फर्स्ट बेबी हुआ था 12 साल हो गया सेकेंड डिलीवरी के लिए, बहुत लंबा पीरियड है क्योंकि मेरे अंदर कहीं ना कहीं डर था कि मुझे फिर से वही सारी प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े जिसकी वजह से कि सेकेंड बेबी मैं चाह रही हूँ और कल को मुझे इतनी डेट हो गई या कुछ भी प्रॉब्लम हो गई वो सारी चीज़ें थी मेरे माइंड में, तो मैं कंसीव नहीं कर पा रही थी क्योंकि जब भी प्लान करती थी सोचती थी यही थॉट मेरे माइंड में आती थी और मैं काफी डरी हुई थी। मैं इससे पहले भी कई डॉक्टर से मिली तो उन्होंने मुझे यही सजेशन कि पहले आप अपनी हमें रिपोर्ट दिखाइए, क्योंकि मैं जब भी जाती थी डॉक्टर्स के पास तो यही क्वेश्चन उनके सामने रखती थी, लेकिन किसी ने मुझे ठीक से मतलब इस चीज के लिए आगे रिप्लाई नहीं किया कि आपको करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। सब ने मुझे डरा के रखा कि मतलब कॉम्प्लिकेटेड बहुत ज्यादा हो जाएगा कुछ भी ऐसा, मतलब मेरे मन शांत, मुझे शांति नहीं मिली, मैं संतुष्ट नहीं हूँ, सेटिस्फाइड नहीं हूँ किसी से भी मिलकर। फिर मैंने कल से पहले फिर मेरे हस्बैंड ने सर्च किया, डॉक्टर इनका सारा देखा, डॉक्टर इला का, तो उनको सारा मतलब बहुत अच्छा लगा, रिव्यू वगैरह जो भी इनके थे सारे सब कुछ। फिर मैं इनसे मिली, मेरी फर्स्ट विजिट जो ही, मैं इनसे फर्स्ट विजिट पे ही काफ़ी सेटिस्फाइड हो गई कि मतलब अब मुझे अपना ट्रीटमेंट इन्हीं से लेना है और इन्हीं से मिला है, क्योंकि पेशेंट का होता है कि जब तक पेशेंट अपने डॉक्टर से मिलके खुश नहीं है, संतुष्ट नहीं है, वो उसे संतुष्ट नहीं कर पा रहा है किसी भी तरीके से, अगर उसको कोई प्रॉब्लम है, कुछ भी दिक्कतें हैं, तो मेरे हिसाब से फिर बेकार है। अगर पेशेंट डॉक्टर के साथ एक फैमिली और डॉक्टर इला का जो बिहेवियर है, टॉकिंग है, अपने पेशेंट को डील करने का उनका जो तरीका है वो बहुत ही अच्छा है, तो मैं तो यही चाहूंगी कि मतलब
मैं तो लिटरली टाइम मतलब मौका ढूंढती कि मैं डॉक्टर से मिलने कब जाऊं, कि मैं तो बहुत ज्यादा इंप्रेस्ड हूँ, बहुत हैप्पी हूँ। लेकिन अब हम तुम ज्यादा नहीं बुलाएंगे, अब हम चाहते हैं अब तुम घर में बिटिया के साथ मैं बिटिया के साथ ही रहूंगी, लेकिन कभी कभी फोन पे टॉक कर लिया करूंगी जब मन करेगा तो ऐसे करके। तो मैं अभी अपनी बेबी के साथ मतलब बहुत खुश हूँ, क्योंकि मैं जब फर्स्ट टाइम डॉक्टर से मिली थी इलाज से तब भी मेरे यही सारे क्वेश्चन थे। इवनली मैंने अपने फर्स्ट बेबी के जो भी मेरे पेपर्स थे, सारे डॉक्यूमेंट्स थे डॉक्टर, उस पीरियड का भी सारा मटेरियल मैंने अभी तक संभाल के रखा था कि मैं जब भी मिलूंगी ये सब चीजें दिखाऊंगी कि मतलब फिर से मेरे को कोई प्रॉब्लम तो नहीं, कोई कॉम्प्लिकेटेड केसेस तो नहीं होंगे कुछ भी। लेकिन वो था नहीं था मुझे नहीं पता, लेकिन मैं अभी बहुत हैप्पी हूँ, बहुत खुश हूँ। होते होते भी चीजें मेरी बहुत सारी संभल गई और बहुत क्रेडिट है, क्योंकि कई बार मैं देखती हूँ 12 साल पुराने भी रिकॉर्ड्स इसने अच्छे से रख रखे थे। अभी भी नीतू हर विजिट में आती थी, प्रॉपर डायरी बना के आती थी, एंड ये बहुत कमेंडेबल है। सो एज डॉक्टर्स वी आर ऑल्सो वेरी हैप्पी वेन वी गेट पेशेंट्स जो बात सुने, क्योंकि अगर हम अपनी तरफ से पूरा एफर्ट्स करें और पेशेंट अपनी तरफ से पूरा एफर्ट्स करें तो कॉम्प्लिकेटेड से कॉम्प्लिकेटेड केस भी अच्छे से हो जाते हैं।